हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन फॉर्म इन हिंदी में। सो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं SMTD कॉलेज बलिया एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस फॉर MA के लिए। जी हाँ गाइस, सिलेबस एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको बताया जाएगा, यानी कि श्री मुरली मनोहर TD कॉलेज बलिया के लिए बताया जाएगा। तो इसलिए गाइस, वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहिएगा जिससे कि आप लोगों से कोई भी डिटेल मिस ना हो सके। पर दोस्तों, वीडियो से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर अपने चैनल पे नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फॉर्म इन हिंदी। माय नेम इज पीयूष गुप्ता। तो यहाँ पे गाइस, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारा नोटिफिकेशन पेज ओपन हो चुका है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं SMMTD कॉलेज बलिया एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस फॉर MA के लिए दिया गया है। ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम बात करेंगे सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स के बारे में, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपडेट रहेगा वो आपका सिलेबस एंड पैटर्न रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन इन एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ सीट्स इन MA, कितनी सीट्स होंगी, आपके पेपर मोड कैसे होंगे, काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स एंड फीस, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर कराई जाएंगी। तो इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं एंड देख लेते हैं यहाँ पे कि आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन में क्या क्या रहेगा, यानी कि आप अगर MA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अपने कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट से MA करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका सब्जेक्ट मिलेगा वो आपको हिंदी, संस्कृत, ज्योग्राफी, एंशियंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं गाइस। अब उसके अलावा हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में, तो एलिजिबिलिटी आपके यहाँ पे BA इन द सब्जेक्ट कंसर्न पास्ट, यानी कि जो भी सब्जेक्ट आप यहाँ पे लेना चाहते हैं MA में, तो आपका BA में भी वही सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स की बात करें गाइस, तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है आपका वो 2 साल का है और 4 सेमेस्टर, तो 2 साल है तो यानी कि 4 सेमेस्टर होना ही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक आता है सिलेबस एंड पैटर्न। तो पहले हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका सिलेबस रहेगा, यहाँ पे रीजनिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, GK एंड GS से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज टेस्ट से रिलेटेड यानी कि हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, आपको दोनों से किसी एक को सेलेक्ट करके उसकी आपको यहाँ पे पेपर सॉल्व करने होते हैं गाइस। ठीक है, अब उसके अलावा सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये जानना जरूरी है गाइस। सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट आपका वो रहेगा गाइस, जो सब्जेक्ट आप अपने एडमिशन में फील करेंगे, यानी कि MA में जो भी आप सब्जेक्ट लेंगे उससे रिलेटेड आपके यहाँ पे बुद्धि विषय क्षमता परीक्षण का एग्जाम होता है। ठीक है, तो ये आपका मेन टॉपिक है गाइस, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उससे रिलेटेड आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे मैं ये आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन आपके BA से रिलेटेड आएंगे, यानी कि जो प्रीवियस ईयर आपने पास किया है उससे रिलेटेड यहाँ पे आपके क्वेश्चंस आते हैं गाइस। अब यहाँ पे हमारा पैटर्न के बारे में बात कर लेंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इन एंट्रेंस एग्जाम, कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ पे कौन कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या रहते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन की बात करें गाइस, तो यहाँ पे आपके टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो 100 क्वेश्चन आएंगे, कैरी पर क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन पे आपको एक नंबर मिलेगा गाइस, एंड आपका पूरे पेपर का मैक्सिमम मार्क्स जो रहेगा वो 100 रहेगा, एंड उसके बाद निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है गाइस। तो बेनिफिट वाली बात यह है कि पेपर को आपको सारे सॉल्व करने, जो आते हैं वो भी करने, जो नहीं आते हैं वो भी करने हैं आपको। इससे क्या होगा कि जो गलती से भी सही होगा वो भी आपका प्लस पॉइंट में बन जाएगा गाइस। अब पेपर मोड जो आपका होगा वो MCQ बेस्ड पे होगा। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे सीट्स की बात करें, तो यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट है सबके लिए 60 सीट अवेलेबल है, तो एंट्रेंस एग्जाम यानी कि बहुत ही टफ होने वाला है, यानी कि टफ क्या, इसमें मेरिट आपकी हाई जाने वाली है, आपकी मेरिट काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि सीट कम है तो मेरिट भी आपकी बढ़ेगी, तो उस हिसाब से आपको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे काउंसलिंग डिटेल्स की बात करें एंड फीस की बात करेंगे, तो फीस की बात करें तो फीस मैंने हर साल इसमें चेंजेस देखा है, तो यहाँ पे आपकी 3160 से लेके 3500 के बीच में आपके यहाँ पे एक सेमेस्टर के फीस होंगे गाइस। ठीक है, अब एक सेमेस्टर नहीं, एक साल के, यानी कि 2 सेमेस्टर के। अब यहाँ पे अगर काउंसलिंग आपकी होती है तो काउंसलिंग में आपको क्या क्या ले जाने होंगे, काउंसलिंग में आपके 10th, 12th एंड BA के सर्टिफिकेट लगेंगे, आधार कार्ड लगेंगे, पासपोर्ट साइज फोटोज लगेंगे, 5-6 लगेंगे गाइस, उसके अलावा आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेंगे, इनकम कास्ट एंड रेसिडेंस सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेंगे, और आपके पास EWS SSC स्पोर्ट्स कोटा है गाइस, तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा क्योंकि यहाँ पे आपको वेटेज भी मिल सकते हैं, 15 नंबर से स्टार्टिंग यहाँ पे वेटेज होते हैं, तो जैसे भी आप एलिजिबल रहेंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे वेटेज भी मिलेंगे, तो ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास होंगे तो ये आप जरूर लगाइएगा।
अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो हो गई है गाइस, और फीस के बारे में भी मैंने बता दिया, क्योंकि फीस यहाँ पे हर साल में थोड़े बहुत बदलाव होते रहते हैं। तो 60 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे हमारा मेन टॉपिक आता है कि ये आपका सिलेबस जो होता है, इसी को आपको तैयारी करनी होती है। इसकी तैयारी करेंगे आप गाइस तो आपका यहाँ पे एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो रीजनिंग आपको पढ़ना है, जीके एंड जीएस पढ़ना है, लैंग्वेज टेस्ट पढ़ना है यानी कि हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड। उसके अलावा सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, जो भी आप सब्जेक्ट देंगे लेंगे यानी कि, तो उससे रिलेटेड आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं गाइस। तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा, इसको आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा होल सिलेबस है आपके। निकल जा भाई, गाड़ी लेके निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका होल सिलेबस रहेगा पूरे एग्ज़ाम के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, आपके एडमिशन के लिए। तो जो भी आप सब्जेक्ट लेंगे ये सभी के लिए, हिंदी, संस्कृत, ज्योग्राफी, एंशियंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करनी है। तो ये आपका पूरा हो गया है कंप्लीट कोर्स SMMTD कॉलेज बलिया का। तो और भी आपके अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है या फिर कोई भी क्यूरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड उसके अलावा गाइस आपको यहाँ पे हमारे इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और भी ऐसे सिलेबस के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा बलिया कॉलेज के लिए, यानी कि SMMTD कॉलेज बलिया के लिए मैं आपको बताऊँगा। ये MA के लिए है, आपको फिर BA के लिए भी आएगा। जो जो यहाँ पे कोर्स है उसके लिए मैं पूरा कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस बाय बाय, जय श्री राम।